नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। लेट गांव से किसान इकट्ठा होकर जिला पंचायत पहुंचे। वहां पर उन्होंने जिला पंचायत सीईओ को एक ज्ञापन दिया और गुहार लगाई कि उनके खाते में जो भावांतर के तहत लहसुन की राशि आने चाहिए थी वो उनके खातों में नहीं पहुंची है। उन्हें वो राशि शीघ्र दिलवाई जाए, उनके खातों में डलवाई जाए। देखे खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। हम ग्राउंड लेड़गांव से आए हैं और भावांतर लहसुन में जो सरकार ने योजना बनाई थी हमारे लिए प्रति किलो क्विंटल 8 रुपये डालने से हिसाब से, जो अभी तक हमें न मिला है, उसका पेमेंट नहीं मिला है। इसलिए आज हमने कलेक्टर साहब और इन लोगों को यहाँ पर दिए हैं, ज्ञापन दिया है और उनको अवगत करवाया है कि साहब अति शीघ्र हमें यह पेमेंट डाल दिया जाए। और काफ़ी परेशानी हो रही है हमको खाद बीज लाने के लिए, क्योंकि किसानों के पास अभी किसी भी बात का पेमेंट नहीं है, इसलिए काफ़ी परेशानी हो रही है हमको। ये कब का पेमेंट बकाया है और कितने किसानों का बकाया है? करीबन हमारे गांव में 60 या 65 लोगों का पेमेंट बाकी है और अभी तक हर किसान के पास संदेश आ गया था। संदेश में आया था कि आपका प्याज और लहसुन का पेमेंट डल चुका है, आप पेमेंट निकाल लीजिए। मगर हमें अभी तक कुछ किसानों को प्याज के ही पेमेंट मिला है, लहसुन का नहीं मिला है। और करीबन 65 के आसपास किसान लेड़गांव के बाकी आसपास के गांव को मिल चुका है। आपका भुगतान नहीं हुआ है? हाँ, हमारा भुगतान नहीं। क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कलेक्टर साहब से या सभी लोगों से कि अति शीघ्र हमारा पेमेंट जो है बाकी, इससे जल्दी से जल्दी डलवाने की कष्ट करें। नाम बता दीजिए। महेश पाटीदार, ग्राउंड लेड़गांव, तहसील सरदारपुर, जिलाधार।